बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम्स में हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम नए टॉपिक की तरफ आते हैं और नए टॉपिक का नाम है द रियल लाइन। रियल लाइन क्या होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन रियल लाइन को डिस्कस करने से पहले मैं रियल नंबर्स को डिस्कस करूँगा कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स में अगर जनरली देखा जाए तो दो नंबर्स हैं। एक दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स को। एक कैटेगरी बनती है इनकी रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स, और दूसरी कैटेगरी बनती है इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसमें हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे और रियल लाइन के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। देखें, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कौन से रियल नंबर्स होते हैं, मतलब कि अगर आप, मैं कहना चाहूं कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकें, उसको लिख सकें, उसको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स उन्हें कहा जाता है। अच्छा, इनमें जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमने लिखा है, पी जो है कोई सा भी इंटीजर हो सकता है और क्यू क्यू की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि वो नॉन इक्वल टू जीरो हो, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर्स में से, ठीक है, तो उनको कहा जाएगा रेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर्स की तो हमने बात कर ली, फिर इरेशनल नंबर्स क्या हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। अच्छा, ये तो हमने जनरल हमने देख लिया कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें वो नंबर, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, और जो ना लिखे जा सकें उन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जा सकते हैं और कौन से नहीं लिखे जा सकते हैं, मतलब कि स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर कौन से नंबर हैं। मैं सपोज एक कोई भी इंटीजर लिखता हूँ 2/5, सपोज करते हैं 2/5 मेरे पास एक यानी कि नंबर है, तो इस ये क्या पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल पी की, हम मैंने कहा था कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर मैं इसको पी ओवर क्यू से जो है कंपेयर करूं तो हम देखते हैं कि पी की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 है, तो पी के बारे में हमने बात की थी कि पी कोई सा भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, यानी कि p की कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है और ये भी q की भी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 5, एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 नहीं हो सकती, ठीक है, शुड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बस q की वैल्यू 0 के अलावा जो मर्जी आप जो है इंटीजर्स में से लिख सकते हैं। अब यहां से आप देखें 2 जो है वो एनी इंटीजर वैल्यू है, बिल्कुल है, इंटीजर वैल्यू है, और 5 जो है डिनोमिनेटर अगर देखें तो इसमें जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, उसके अलावा इंटीजर वैल्यू है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, यानी कि 2/5 को हम कह सकते हैं कि इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर इसको हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अच्छा, उसके अलावा हम और मजीद एग्जांपल देना चाहें रेशनल नंबर्स की, तो मैं कोई सा भी इंटीजर जो है नंबर लिखूं, सपोज मैं कहता हूं कि ये 7 है, ठीक है, 7, अब ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसे है, इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, देखें ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने देखा था ना 2/5, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में एक न्यूमरेटर इसमें मौजूद है, एक डिनोमिनेटर मौजूद है, लेकिन इसमें हमें कोई डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे कहें कि ये रेशनल नंबर है, मैंने कह दिया कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर कैसे है, ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अगर आप याद करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में, कि अगर तो कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, उसके डिनोमिनेटर में 1 जरूर होता है, मतलब कि अगर कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा तो उसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होगा,
ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि ये अगर p है, p की वैल्यू है, तो ये 1 जो है वो q की वैल्यू है, और ये दोनों आपस में क्या है, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। और q की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। 0 के अलावा ही कोई इंटीजर होनी चाहिए ना, तो 0 के अलावा ही इंटीजर वैल्यू है 1। तो ये p और q की फॉर्म में, इस वजह से हमने इसे कहा कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि आप कोई सा भी इंटीजर वैल्यू कहें वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, और उसके अलावा जो फ्रैक्शन में लिखी हुई है वैल्यूज, ठीक है, वो रेशनल नंबर हो सकती है। तो ये हमने देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम इसको जो है रियल लाइन के हिसाब से, या रियल लाइन के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि रियल लाइन पे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने से पहले मैं देखूंगा कि रियल लाइन होती क्या है, ठीक है। सपोज मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, चलें इस तरह से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया जाए। ये देखें मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो कि इसका यहां पर एंड तो नहीं है, ये आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस पे मैं ऐसा कहता हूँ कि इसके मिड में एक पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। सपोज मैं ये कहता हूँ ये इसका मिड पॉइंट है, और इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या है, ओ। अच्छा, ओ पॉइंट मैंने इसे कह दिया, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, यानी कि मैं कहूँगा ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको देखें तो मैं इससे लेफ्ट साइड पर जाऊँगा या राइट साइड पे जाऊंगा, तो मजीद इसके इसको मैं यानी कि डिवाइड करता जाऊंगा। इस लाइन को किस तरह से डिवाइड करते जाऊंगा कि मैं कहता हूँ एक मैं यूनिट लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी जिसका डिस्टेंस 1 हम कह लेंगे, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ राइट साइड पे मैं जाता हूँ, तो ये एक डिस्टेंस बन जाता है, जो इसको यूनिटी डिस्टेंस हम कह लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसको ये 1 है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 1 होगा। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं, इतना ही डिस्टेंस में यूनिट डिस्टेंस यूज करूं, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कहूंगा कि ये -1 है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव, और राइट साइड पे आप जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। लेकिन अब अभी सिर्फ मैंने इसको -1 और +1 की फॉर्म में लिखा है, आगे हम इसको मजीद भी यानी कि डिजिट्स हम लिखेंगे, यानी कि 1 के बाद आप कह लें उतना ही डिस्टेंस आपने रखना है, ठीक है। सपोज ये उतना ही डिस्टेंस है, 0 से 1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, और 1 से फिर आगे ये 2 हो जाएगा, और इस तरह से ये 3 हो जाएगा, और इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे भी आप इस लाइन को नंबरिंग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, -2, उसके बाद -3, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में या इक्वल यूनिटी डिस्टेंसेस में आप इसको डिवाइड करें लाइन को, और उसकी नंबरिंग कर दें, ठीक है। राइट साइड पे जाते हुए पॉजिटिव इंक्रीमेंट आएगा, और लेफ्ट साइड पे जाते हुए नेगेटिव का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का इंक्रीमेंट आएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 से मैं राइट साइड पर गया तो 1 आया, उतना ही डिस्टेंस दोबारा कवर किया तो 2 आ गया, उतना ही डिस्टेंस दोबारा कवर किया तो 3 आ गया, इसी तरह से सो ऑन, यानी कि 4, 5 अप टू जहाँ तक ये आप ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास है रियल लाइन। इस लाइन को कहा जाता है रियल लाइन, रियल लाइन। अच्छा, इसको रियल लाइन क्यों कहा जाता है, ये भी तो बात है ना कि इसको रियल लाइन क्यों कहा गया, क्योंकि आप इस पे देखें तो इस पे आपको रियल नंबर्स नजर आएंगे। 1 एक रियल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। इसी तरह से 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, -1, -2, -3, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई सा भी नंबर रिप्रेजेंट करना चाहें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, कोई सा भी रेशनल नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हम कोई वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है एक रियल वैल्यू है जी 2, ठीक है, 2 एक रियल वैल्यू है जो कि रेशनल नंबर भी है, 2/1 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2/1। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ रियल लाइन पे, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। देखें, एक तो पहली बात ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपने देखना है। पॉजिटिव है तो आप ओरिजिन से राइट साइड पर जाएंगे, यानी कि 2 का डिस्टेंस आप कवर करेंगे, 0 के बाद पॉजिटिव 1, फिर उसके बाद 2। ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप कह सकते हैं कि इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर देना है कि हमारा जो वैल्यू है 2/1, ठीक है, या 2 एक रेशनल नंबर है, उसको हमने रियल लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके अलावा कोई हम फ्रैक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, 1/2 हम कह देते हैं, 1/2, 1/2 भी तो एक रियल नंबर है ना, 2 मैं सही से लिख देता हूँ,
वन बाय टू। अच्छा, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन में है रियल नंबर, इसको आप कहेंगे रेशनल नंबर है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वन बाय टू, वन बाय टू यानी कि वन डिवाइड हो रहा है टू से, तो इसको आप डिवाइड करें जीरो, ठीक है, पॉइंट फाइव, 0.5 आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यानी कि टू, वन को आप टू से डिवाइड करें, उसका मतलब क्या होता है कि एक कोई पार्ट है, ठीक है, कोई भी एक पार्ट है, जितना भी पार्ट है उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, बराबर हिस्सों में। ठीक है, सपोज ये एक लेंथ ही मेरे पास, ठीक है, इसको मैं मिड से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक पार्ट ये बन जाता है, ठीक है, और एक पार्ट ये राइट साइड पे बन जाता है। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक यूनिटी लेंथ है, यानी कि जीरो से लेकर वन तक यूनिट डिस्टेंस है, इसको आपने मिड से डिवाइड कर देना, मतलब कि आपने मिड पॉइंट पे जाकर आप बता देना कि ये यहाँ पर जो है दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, तो ये पॉइंट बनता है फिर वन बाय टू। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये है वन बाय टू, और ये हमने टू को रिप्रेजेंट किया था इस तरह से। यानी कि रियल लाइन जो है, आप रियल लाइन पे रियल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये सब के सब जो हैं रेशनल नंबर्स हैं। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर। रेशनल नंबर्स क्या थे जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में इस तरह से लिखे जा सकें कि क्यू जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स की मैं एग्जाम्पल कहूंगा कि हमारे पास है स्क्वेयर रूट ऑफ टू, ठीक है, स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से कोई भी, यानी कि स्क्वेयर रूट के अंदर आपको कोई टर्म नजर आए, या फिर आप इसे पाए, पाए भी एक वेल नाउन इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाए अगर आपने पहले पढ़ा हो तो, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि पाए भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और वेल नाउन इरेशनल नंबर है। इसके अलावा स्क्वेयर रूट ऑफ टू, यानी कि कोई भी इंटीजर उसके ऊपर स्क्वेयर रूट आप देखें तो आप कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर तो हमने देख लिया कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, तो इसको हम फिर रियल लाइन पे किस तरह से यानी कि प्रेजेंट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलें, अब इरेशनल नंबर्स को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए मुझे दोबारा से एक रियल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ। चलें, इसको सही से हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, जिसको हम कहेंगे ये रियल लाइन है। अब रियल लाइन किस तरह से है कि इसको दोबारा से हम कहेंगे कि इसके मिड में एक ओरिजिन है, ठीक है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नंबर की बात करें, नंबरिंग की, तो वो जीरो है, ठीक है। उसके अलावा राइट साइड पे जाएंगे तो यूनिटी डिस्टेंस पे आप कहेंगे कि ये वन है, पॉजिटिव वन है। इसी तरह से मजीद यूनिटी डिस्टेंस पे आप कहेंगे कि ये टू है। इसी तरह से राइट साइड पे मज़ीद आप इसको डिवाइड करते जाएं, नंबरिंग करते जाएं, तो ये पॉजिटिव नंबर से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, और इसको आगे जो भी एंड सो ऑन लिखते हैं, ठीक है, या एरो का साइन आप यहाँ पर लगा दें। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आप अगर जाएं तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह से उतना ही डिस्टेंस रख के ये -2 बन जाएगा, उतना ही डिस्टेंस आप रखें तो ये -3 एंड -4 एंड सो ऑन के लिए मैं यहाँ पर एरो साइन लगा देता हूँ। अच्छा, ये बन गई हमारे पास रियल लाइन। अब इस पे हमने रिप्रेजेंट करना है रेशनल इरेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर तो हम पहले देख चुके हैं, इरेशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर्स को सपोज हम कहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ स्क्वेयर रूट ऑफ टू को। अच्छा, स्क्वेयर रूट ऑफ टू जो है एक इरेशनल नंबर है, तो इसको रियल लाइन पे अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कहूँगा कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो भी मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर। यानी कि अगर आप कोई किसी ट्राइंगल की बात करें, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये बेस बनती है, ठीक है, अगर आप ये 90 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये बेस बनती है, राइट एंगल के हिसाब से हम देख रहे हैं। उसके अलावा ये परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है,
ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होता है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हाइपोटेन्यूज को एज इट इज रहने देते हैं। अब मैंने रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ टू को। स्क्वायर रूट ऑफ टू कैसे आएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ टू हमारे पास इस तरह से आएगा कि मैं कहूँगा कि बेस की वैल्यू अगर 1 रखें, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी अगर 1 रखें, तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 का स्क्वेयर + 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आ चुका है। हमें तो चाहिए था स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की आप वैल्यू फाइंड कर लें। किस तरह से फाइंड करेंगे? दोनों साइड्स पे आप स्क्वेयर रूट ले लें इसका स्क्वेयर कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। ये स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वेयर रूट ऑफ 2। अब हमने निकाल तो ली है वैल्यू हाइपोटेन्यूज की जो कि स्क्वेयर रूट ऑफ 2 है, और जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इस इरेशनल वैल्यू को, तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हमने क्या बात की कि बेस की वैल्यू क्या है इसमें आपको नजर आ रही है? 1 है। उसके अलावा परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है? वो भी 1 है। मतलब कि पॉजिटिव 1 है ना, दोनों साइड पे पॉजिटिव 1 है। आप अगर राइट साइड पे लेकर जाएं इसको, ठीक है, पॉजिटिव 1 ये डिस्टेंस बनता है ओरिजिन से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से आप अगर देखें तो ये पॉजिटिव 1 ये डिस्टेंस बनता है, ठीक है। इसी तरह से आप परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव 1 है। मतलब कि अपवर्ड हम देखेंगे इसको उतना ही डिस्टेंस में रख के इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। तो ये हमारे पास बन गया पॉजिटिव 1 की परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, चलें डिफरेंट कलर से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये इस तरह से मैं इन दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है? ये 1 है। इसको डिफरेंट कलर से ज्वाइन करते हैं। ये 1 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 1 है। और ये फिर डिस्टेंस कितना बनेगा? देखें, बेस जब 1 है और परपेंडिकुलर जब 1 है, आप इस सिनेरियो में देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस देख सकते हैं, वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाती है। मतलब कि ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी, ठीक है। चलें, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गई। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट का नाम को रख देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट का नाम ओ है तो हम इसको कह देते हैं एम कह देते हैं, ठीक है, ये एम मैंने इसका नाम रख दिया। अब आपने क्या करना है, ये तो यहाँ पर आ रही है, रियल लाइन के ऊपर पॉइंट तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये डिस्टेंस जो बन रहा है ओरिजिन से लेकर एम तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो है ही, लेकिन रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हमने करना था, ये रियल लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आप देखें, कोई एक मतलब के ले लें, आप कंपास ले लें, ठीक है, कंपास से आप क्या करेंगे कि उसका एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और आर्क लगाने के लिए आप यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, ठीक है, इतनी, यानी कि कंपास को आप खोल लेंगे और फिर आर्क लगाना शुरू करेंगे इस तरह से, इस तरह से आप आर्क लगाते रहेंगे, ठीक है, लेते आएंगे और यहाँ पर आकर जहाँ पर मतलब कि ये रियल लाइन को कट कर रही है आर्क, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो इस पॉइंट को आप कहेंगे कि ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू। ये वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि रियल लाइन पे भी आ गया पॉइंट और वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से मतलब कि आप किसी भी इरेशनल नंबर को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मेथड उसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज उस हिसाब से देख लेंगे, और पाए की भी आप यानी कि पाए को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो मतलब कि मेथड आपको यही सेम यूज़ करना पड़ेगा। ये रियल लाइन है, ये मैं साथ में लिख देता हूँ, और हमने रिप्रेजेंट किसको किया है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम यानी कि प्लेन को डिस्कस करेंगे, रियल प्लेन क्या होता है और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है।